इस भारत देश में हर विभिन्न लोग रहते हैं, लेकिन हर विभिन्न लोग अपने अपने धर्म को मानने के लिए फुल आज़ादी दिया हुआ भारत के संविधान में। और इस भारत देश में जितने भी लोग रहते हैं, सब कोई अपने अपने धर्म को मान सकते हैं, लेकिन किसी का धर्म को अपमान नहीं कर सकते हैं। लेकिन आजकल बहुत ही चल रहा है एक दूसरे के धर्म को लेके, इस भारत देश में मानो ना पहचान कर एक दूसरे का लड़ने का काम हो रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मेघलाल बोधा, आप देख रहे हैं त्रिशन लाइव टीवी। बात होगी आज जो ट्रेन में सफर करने वाले जब लोग चलते गुजरते हैं तो हर समुदाय के लोग एक दूसरे के रहते हैं, लेकिन अभी ट्रेन में देखा जा रहा है कि धर्म के नाम पे एक दूसरे पे यहाँ तक कि इतना शोषण किया जा रहा है, यहाँ तक कि गोली बारूद भी चलने को मजबूर कर दिया है। जितना लोग जो है अंधविश्वास में डूब कर इस मनुवाद को जड़ दिमाग में इतना गढ़ दिया गया है कि आज मानो नहीं पहचान पा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ कीर्ति बौद्ध जी उपस्थित है, और अभी जो वीडियो हर जगह चल रहा है कि धर्म के लेकर आखिर क्या वो मामला है, जो ट्रेन में किस तरह का मामला जो घटा जो इस दुनिया को झकझोर करके रख दिया, तो आप बताइए हमारे दर्शकों को क्या मामला है ट्रेन वाला। इस देश में रहना है तो योगी मोदी कहना होगा, इस देश में रहना है तो योगी मोदी का नारा लगाना होगा, वरना आप इस देश में नहीं रह सकते हैं। इस देश में आप जो वही व्यक्ति रह सकता है जो योगी मोदी का जो है बढ़ाई करेंगे, जो योगी मोदी का जो है अच्छाइयां गिनाएंगे, जो योगी मोदी को वोट देंगे, यही इस देश में अब रह सकता है। साथियों, फिलहाल जो अभी घटना घटा है, ये पूरा तरह से भारत को एक पूरा तरह से हिला के रख दिया। ये घटना भारत देश का संविधान कहता है कि सभी को अपने अनुसार से जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म को प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, सबको अपने अनुसार से किसी को वोट देने का अधिकार है, यहाँ लोकतंत्र चलता है। लेकिन ये लोकतंत्र को ये लोग धज्जियां उड़ा दिए हैं, यहाँ पर धमकी देते हैं ये लोग कि इस देश में रहना है तो योगी मोदी के सिवाय किसी को वोट नहीं देना है। अभी जो घटना घटा है, इस घटना को पूरा तरह से आपको विश्लेषण, लेकिन इस देश में रहना है तो योगी मोदी को नाम लेना होगा। लेकिन वो दर्शक, वो जो इस सरकार के इस तरह के प्रति जो अंधभक्त बना हुआ है, आज रहे ये लोकतंत्र है, 5 साल के लिए ही सरकार रहती है, जब सरकार अत्याचार जुल्म करने लगे तो फिर उस सरकार को पब्लिक चाहेंगे तो उसको हटा भी सकता है। इसलिए किसी का अंधभक्त नहीं बने, सही गलत को परखने का प्रयास। योगी और मोदी के अंधभक्ति का हैवानियत इतना ज्यादा चढ़ गया, शैतान का भूत इतना चढ़ गया कि मतलब जहां भी देखा टोपी वाला, जहां भी देखा छोटी जात वाले, उन्हें गोली से जो है पूरा तरह छल्ली उड़ा दिए। अभी जो घटना घटा है, सूरत से जो है मुंबई पहुंचने वाली थी, जो कि ट्रेन उसका है, ट्रेन का नाम है जयपुर से मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो ट्रेन चलती है, उस ट्रेन में सूरत में जो है 5 आरपीएफ का जवान चढ़े हुए थे। 5 आरपीएफ के जवान में से एक एसआई थे, एसआई मतलब होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, और उसके साथ जो है एक व्यक्ति थे चेतन सिंह। ये चेतन सिंह व्यक्ति जो है रहने वाला जो है वो यूपी का रहने वाला है, वो उस राज्य का रहने वाला है जहाँ योगी राज चलता है, उस राज्य का वो रहने वाला था चेतन सिंह। 4 लोग कुल चढ़े थे, लेकिन 2 लोग जो है वो कोच जो है उसमें कोच चलता है ट्रेन के कुछ पिछले कोच में थे, और ये लोग कुल जो है 5वां कोच में था, बोगी का 5वां कोच में ये लोग थे, 2 लोग टीकाराम, और टीकाराम जो एक आदिवासी है, टीकाराम जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, जो कि चेतन सिंह का जो है सीनियर थे वो, और ये लोग सफर कर रहे थे, ये लोग दोनों साथ में थे, और भी जो आरपीएफ के जवान थे वो पीछे थे, ठीक है। तो ये लोग जब सफर कर रहे थे तो उस ट्रेन में जो है कुछ वहाँ यात्रीगण से कुछ बहस होता है, वहाँ बातचीत चलता है, उस बातचीत क्या चलता है, वो बातचीत चलता है, पहले तो क्या होता है कि चेतन सिंह जो है वो बहाना करता है कि मुझे जो है बुखार लग रहा है, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, हमको इस अगला स्टेशन में उतरना है, ठीक ना। तो जब उसको इस तरह बोला जाता था, टीकाराम बोलते हैं कि अभी ड्यूटी होने से 2 घंटा बाकी है, यानी कि जब पालघर एक रेलवे स्टेशन पड़ता है मुंबई से पहले, यानी मुंबई से 100 मीटर पहले एक रेलवे स्टेशन आता है पालघर, वो बोला पारघर रेलवे स्टेशन मतलब चलते हैं वहाँ पर जाके उतर जाइएगा, लेकिन पहले भी मत उतरिए, ठीक ना, 2-3 घंटा बाकी है, इसका उतर जाना है। लेकिन वो बहाना किया, बोल मेरा तबीयत खराब है, हमको उतरना है, ठीक ना। चेतन सिंह, हाँ चेतन सिंह, तो उसको देखा गया, जब उसको शरीर छू के देखा गया तो उसका बुखार कुछ नहीं था। चेतन सिंह भी आरपीएफ थे, हाँ आरपीएफ का जवान है, ठीक ना। तो उसको छू के जब देखे टीकाराम, तो देखे उसका बुखार नहीं, लेकिन जिसे छूने के बाद होता ना बहुत ज्यादा गुस्सा में है, बहुत ज्यादा गुस्सा में था वो, और इसलिए चूंकि उस बोगी में पूरा बात हो रहा था योगी और मोदी का। अच्छा। योगी मोदी का बात ये हो रहा था कि इस देश में अगर किसी को रहना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, तो वहां पर मुसलमान लोग भी था,
बहुत लोग थे वहां पर चर्चा चल रहा था। उसी दरमियान में वो बोलते हैं कि इस देश में हिंदुस्तान में रहना, भारत नहीं, हाँ हिंदुस्तान बोलता है वो, हिंदुस्तान में रहना है तो योगी और मोदी को वोट देना है, आने हिंदुस्तान में रहना है, भारत में रहना है तो योगी मोदी कहना है, इस देश में जो है योगी मोदी जो कहेगा वही इस देश में रहेगा। अच्छा। इसके लिए जो है टीकाराम जो है उनको समझाते बुझाते हैं, वो समझते बुझते नहीं है। इसके बाद जो है उसके पास AK-47 का बंदूक रहते हैं। टीकाराम जो रहते हैं वो RPF है, और वो जो सीनियर थे चेतन सिंह का वो जूनियर थे, हाँ मतलब वो कांस्टेबल था वो, मतलब चेतन सिंह, और उस सीनियर में थे वो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में थे वो टीकाराम। तो टीकाराम जो चेतन सिंह को समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानते हैं। उसके पास AK-47 का मतलब बंदूक था चेतन सिंह, हाँ चेतन सिंह के पास वो बंदूक। हालांकि जो है जब वो बोला गया था कि हमको अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा बीमार लग रहे हैं हमको, अच्छा तबीयत नहीं लग रहा, तो उस समय जो उसका एक साथी था वो साथी उसका बंदूक ले लिया था, लेकिन अचानक उसको जो 2-10 मिनट के बाद उठा और बंदूक छीनने लगा, ठीक ना, बंदूक छीनने लगा। उस दरमियान में बंदूक क्या किया, अपना ना बंदूक लेके एक और जो RPF था उसका बंदूक को छीन लिया, ठीक अच्छा। ना, उसका बंदूक को छीन लिया। फिर उसको कुछ देर के बाद होश आया कि ये मेरा बंदूक नहीं, फिर जो है अपना बंदूक को लिया। इसके बाद जो वहां पर उलझन हुआ, थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा था क्योंकि गुस्सा में बहुत था टीकाराम। इसके बाद वो बंदूक निकाला, उसमें 20 गोली था, पूरा धड़ गोली, हाँ बंदूक निकाला भाई चेतन सिंह, और पहले जो है टीकाराम के ऊपर ही गोली चलाया, अपना सीनियर पे गोली, हाँ अपना सीनियर के ऊपर जो गोली चलाया उसको मार दिया। इसके बाद जो वहां पे जहां भी टोपी वाला दिख रहा था, जहां भी दाढ़ी वाला दिख रहा था, मुसलमान जहां भी मुसलमान दिख रहा था उसके ऊपर धुआंधार जो है गोली एकदम चला रहे थे। यानी यह एक प्रकार के जो है धर्म के आधार पर जो है ये टारगेट किया, धर्म के आधार पर टारगेट किया। यहाँ बीजेपी RSS के मैं बारे में नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन ये जो है बीजेपी का इतना अंधभक्त हो गए हैं कि उसका शैतान के हद इतना पार हो गए हैं कि इसको सुझा ही नहीं देता है कि हाँ इंसानियत नाम का भी कोई चीज है, लोकतंत्र नाम का भी कोई चीज है। ये लोग पूरी तरह से वहां पर जो पूरा जो RPF का जो मेन है, जो मेन होता है अधिकारी, उससे जब पूछा गया तो वो साफ तौर से कहें कि यह जो चेतन सिंह था ये गुस्साला टाइप का पहले से भी है, ये इसी टाइप का पहले से भी, तो मैं डिपार्टमेंट से भी इसी टाइप का सभी का जान लेते, हाँ तो वही तो बात है ना। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ जब आप जान रहे हैं तो उन लोगों को RPF लोगों को जो है आप प्रोटेक्शन करने के लिए क्यों आप ट्रेन में भेज रहे हैं, RPF को क्यों लगाया जाता है। इस पे हमारा जो करोड़ों लोग जो है प्रतिदिन जो है ट्रेन में सफर करते यात्री को, पूरा यात्री को उनको एक भरोसा होता है RPF के ऊपर। RPF का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, प्रोटेक्शन का मतलब होता है संरक्षण करना। लेकिन जिस दिन संरक्षण करने वाला व्यक्ति इतना हैवानियत का हद पार कर जाएंगे कि लोगों को गोलियां चला चला के जो है मारने लगेंगे, तो इस लोगों को जो है क्या करना चाहिए बताइए। लेकिन तो उसको भी तो ध्यान होना चाहिए कि ये लोकतंत्र है, जब सरकार गलत काम करती है तो उसका पब्लिक तो आवाज उठाएगा, मतलब इसका ठेका दे दिया। ट्रेन में गुजर रहा था तो पब्लिक तो ऑटोमेटिकली उठा रहा था, तो ये RPF जो सो अपना तो नौकरी के लिए रहा है और उन लोगों को संरक्षण करने के लिए, ना कि उसको जान मारने के लिए। उसको राजनीति के बारे में बात बोलना ही नहीं है, किसको वोट देगा या नहीं देगा, जो भी सरकारी लोक सेवक होता है उसको राजनीति करने का राइट्स नहीं है, उसको नियम कानून बना हुआ है कि ज्यादा पॉलिटिक्स राजनीति मत करो, तो वो चीज उसको सफर कर रहा है, तुमको किस लिए भर्ती कराया गया कि वहां पर जनता लोग जो गुजर रहा है उसका सामान का सुरक्षा करने के लिए, कोई सिगरेट वगैरह लेके जा रहा है कि कोई मतलब बंदूक लेके जा रहा है क्या, मतलब चाकू को लेके जा रहा है क्या, कोई गुंडा लोग जा रहा है क्या, मवाली लोग जा रहा है क्या, ये जांच करने के लिए RPF का भर्ती कराया जाता है, ना कि वहां योगी का वोट दो मोदी का वोट दो, और योगी मोदी का वोट ना दो तो उसके ऊपर गोलियां चला दो। कितना लोग का हम जान लेते, कुल 4 लोगों को मारा है, एक टीकाराम को मार दिया जो सीनियर थे उसका, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर उनको मारा, वो जो आदिवासी में थे, मतलब जो छोटा देखा उसी को मार दिया। अच्छा। शायद वो भी बोले होंगे कि नहीं मोदी जो है वोट नहीं देना चाहिए, योगी न देना चाहिए, इसीलिए उनको पहले मार दिया। अच्छा। इसके बाद जो जहां भी मुसलमान दिखा 3 मुसलमानों को मार दिया। अच्छा। गर्दा उड़ा दिया पूरा। तो इस तरह तो देश में तो मानव को इतना मजबूर कर दिया बांटने के लिए, शायद आने वाला टाइम बहुत ही बुरा होने वाला, इसलिए जितने भी भाई लोग हैं समझ जाए, जागरूक हो जाए, क्योंकि भारत देश में हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की आज़ादी है, और इस संविधान में भी लागू है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं लेकिन किसी भी धर्म को आप अपमान नहीं कर सकते हैं। ये लोकतंत्र है, चूँकि लोकतंत्र के माध्यम से जो पदाधिकारी अभी नौकरी कर रहा था RPF में उसका भी सैलरी
वही व्यक्ति के माध्यम से मिलता था, चूंकि उस व्यक्ति ने टैक्स देता था, और अगर उसी पे हमला करने लगे तो इस देश कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। इसलिए सरकारों को भी समझें और बूझें, और कौन मनुवाद लोग हैं इस तरह बांटने का कोशिश कर रहा है। तो आप और दर्शकों क्या कहना चाहते हैं अपना भाई? मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले जब ट्रेन में सफर करते थे तो वहाँ लिखा होता था कि यात्रीगण अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, लेकिन अब लिखा मिलेगा कि यात्रीगण अपना जान का रक्षा स्वयं करें। जब लोग जो है अपना जान का रक्षा स्वयं करने लगेंगे तो आरपीएफ को सरकार क्यों भर्ती कराएंगे? सब मैं चाहता हूँ सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक का जो भी ढांचा है, सभी को बंद कर देना चाहिए और ये लोगों को छूट देना चाहिए कि जहाँ जिसको वोट देना है दिलाओ, और अपने बंदूक की गोली की धार से जो है लोगों को अगर योगी और मोदी का नाम नहीं लेगा तो उनको जान मार दो। तो इस देश में पूरा लोकतंत्र को हत्या कर चुका है, ऐसे लोगों को मोदी और योगी में इतना अंधभक्त हो चुके हैं कि मतलब ये लोग अंधभक्ति में ना डूबे। हाँ, मतलब अंधभक्ति ये लोग का शैतान की अमानियत पार कर दिया। धन्यवाद, ये हमारे कीर्ति बौद्ध जी हुए जो इनको खुद का लोगों का एक संविधानिक ज्ञान देते हैं और लोगों को संविधान के बारे में जानकारी देने के लिए इनका खुद का चैनल दो ठो है, और लोगों को काफ़ी धीरे धीरे कानून के संबंधित जानकारी दे रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो पा रहे हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं कि जब ट्रेन में इस तरह का हमला होने लगे और जब अगर पदाधिकारीगण अगर राजनेताओं का पार्टियों का अगर गुलाम बन जाए, उसका अंधभक्ति करने लगे तो देश किस ओर जा रहा है, और धर्म के आधार पर ना लड़ के सब मानव मानव एक समान मिल के चलें। तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि समता स्वतंत्रता बंधुता बना के रखना है, ये तथागत गौतम बुद्ध का संदेश है। और अगर तथागत गौतम बुद्ध के संदेशों को मान के चलते हैं तो आपको मानव मानव एक समान होंगे। इसलिए आप इस विषय में क्या सोचते हैं कि उस तरह का जो हिंदू मुस्लिम का खेल हो रहा है तो क्या जल्द से जल्द बंद होना चाहिए कि नहीं, और अगर नहीं होगा तो आने वाला टाइम में क्या होने वाला है? आप अपना प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।